गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मिक्स्ड सेंटेंसेज यानी विशिष्ट संरचना वाले वाक्यों का एक जगह कलेक्शन किया गया है, जिसमें स्पेशल कंस्ट्रक्शन वाले वाक्यों को रखा गया है, यानी जिनकी बनावट और अनुवाद विशिष्ट प्रकार का होता है, यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 83 नंबर पर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, लेट मी ओपन माय हार्ट टू यू, लेट मी ओपन माय हार्ट टू यू, मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताऊं, लेट मी ओपन माय हार्ट टू यू। सीता के टक्कर की लड़की मिलना दुर्लभ है, सीता के टक्कर की लड़की मिलना दुर्लभ है। उसी को आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, सीता के टक्कर की लड़की मिल नहीं सकती, थोड़ा सा दूसरे तरह से घुमा, तो सीता के टक्कर की लड़की मिलना दुर्लभ है, दे लाइक आप सीता एजरे। अब इसमें लड़की वड़की का कुछ भी देख रहे अंग्रेजी नहीं आया, सीता के टक्कर की लड़की मिलना दुर्लभ है, दे लाइक आप सीता एजरे, यानी सीता जैसा दुर्लभ है, दे लाइक आप सीता एजरे। तुम उसके गुणों पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते, तुम उसके गुणों पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रख सकते, मतलब अपने आप को नहीं रोक सकते, तुम उसके गुणों पर चकित या आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। यू कांट बट मार्वल, यू कांट बट मार्वल एट हर एक्सीलेंसेस, एक्सीलेंसेस उसके गुणों पर, यू कांट बट मार्वल तुम चकित हुए बिना नहीं रह सकते, यू कांट बट मार्वल एट हर एक्सीलेंसेस, तुम उसके गुणों पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते, यू कांट बट मार्वल एट हर एक्सीलेंसेस। अगला है वह परम सुंदरी है, तो सीधे लिख दिया सी इज ब्यूटी, ब्यूटीफुल लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे ब्यूटी, सी ब्यूटी, वो सुंदरी है, वो परम सुंदरी है, मतलब सेज ब्यूटी, वो परम सुंदर और आकर्षक है, वह परम सुंदर और आकर्षक है, सी इज क्यूट, वह परम सुंदर और आकर्षक है, सी इज क्यूट, वह उम्र के हिसाब से अधिक लंबी है, मतलब जितनी उम्र है उसे अधिक लंबी लगती है, वह उम्र के हिसाब से अधिक लंबी है, सी इज टू टाल अपर इज, वह उम्र के हिसाब से अधिक लंबी है, सी इज टू टाल अपर इज। अगला है वह उम्र के हिसाब से छोटी लगती है, वह उम्र के हिसाब से छोटी लगती है, She does not look her age, वह उम्र के हिसाब से छोटी लगती है, She does not look her age, यानी वह अपने उम्र की नहीं लगती। यह लड़की असाधारण है, This girl is a smasher, असाधारण smasher, यह लड़की असाधारण है, दिस गर्ल इज ए स्मैशर। भला उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को कौन रोक सकता है, भला उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को कौन रोक सकता है, वेल अच्छा या भला, Who can help admiring him? भला उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को कौन रोक सकता है?
मतलब कोई नहीं रोक सकता, यह कहना चाहते हैं। भला उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को कौन रोक सकता है? इसी बात को आप दूसरे तरह से कह सकते हैं, उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को कोई नहीं रोक सकता। वेल, हु कैन हेल्प एडमायरिंग हिम? वेल, हु कैन हेल्प एडमायरिंग हिम? या अब उसका अर्थ बदल के अगर मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे तो ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा, वेल नन कैन हेल्प एडमायरिंग, कोई अपने आप को उसकी प्रशंसा करने से रोक नहीं सकता। वेल नन कैन हेल्प एडमायरिंग हिम, अथवा जो दिया है वेल हु कैन हेल्प एडमायरिंग हिम। 92, मैं तुम्हारा मतलब समझ नहीं रहा। मैं तुम्हारा मतलब, यानी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, समझ नहीं रहा हूं। मैं तुम्हारा मतलब, यानी तुम्हारे कहने का जो अर्थ है, समझ नहीं रहा हूं। आई डोंट गेट यू, मैं तुम्हारा मतलब समझ नहीं रहा हूं। आई डोंट गेट यू। 93, वह सुरेश है, तुम्हारा होने वाला पति है। वह सुरेश है, तुम्हारा होने वाला पति। हे सुरेश, योर वुड बी हस्बैंड, होने वाला पति, वुड बी हस्बैंड। वह सुरेश है, तुम्हारा होने वाला पति। हे सुरेश, योर वुड बी हस्बैंड। 94, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। I can't afford to. 95, मैंने बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाई है। 95, मैंने बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाई है। I have rendered relief, मैंने राहत पहुंचाई है टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, बाढ़ पीड़ितों को। मैंने बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाई है। आई हैव रेंडर्ड रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड। दोष हमारा है, द फॉल्ट लाइज विथ अस। दोष हमारा है, द फॉल्ट लाइज विथ अस। बहुत कम अंकों से मैं प्रतिष्ठा पा सका। बहुत कम अंकों से मैं प्रतिष्ठा नहीं पा सका। आई मिस्ड ऑनर्स बाय द नैरो मार्जिन। बहुत कम अंकों से मैं प्रतिष्ठा नहीं पा सका। आई मिस्ड ऑनर्स, मैं प्रतिष्ठा खो दिया। बाय द नैरो मार्जिन आई मिस्ड ऑनर्स बाय द नैरो मार्जिन। 98, क्या आप खेल में हुड़दंग पसंद करते हैं? क्या आप खेल में हुड़दंग पसंद करते हैं? डू यू लाइक हॉर्स प्ले, मतलब हॉर्स प्ले, घोड़े के खेल में बहुत हुड़दंग होता है, दौड़, जैसे घोड़ दौड़ जो होती है उसमें शोर बहुत होता है, इसलिए यह तुलना कर दी गई है। क्या आप खेल में हुड़दंग पसंद करते हैं? डू यू लाइक हॉर्स प्ले? 99, मैं गेंद को केवल लुढ़काते हुए आगे ले जाता। मैं गेंद को कड़ा
या अंधाधुंध ठोकरे नहीं देता या ठोकरे नहीं मारता। मैं गेंद को केवल लुढ़काते हुए आगे ले जाता। मैं गेंद को कड़ा या अंधाधुंध ठोकरे नहीं देता या अंधाधुंध ठोकरे नहीं मारता। आई जस्ट ड्रेविल दे बाल, आई जस्ट ड्रेविल दे बाल। गेंद को केवल लुढ़काते हुए ले जा, लुढ़काते हुए ले जाना मतलब ड्रेवलिंग। आई जस्ट ड्रेविल दे बाल, मैं केवल बाल को लुढ़काता हूं। आई जस्ट ड्रेविल दे बाल। मैं गेंद को कड़ा और अंधाधुंध ठोकरे नहीं मारता। I don't give hard and reckless. I don't give hard, कठोर, कड़ा and reckless, अंधाधुंध kicks to the ball. I don't give hard and reckless kicks to the ball. अब total हो गया, I just dribble the ball. I don't give hard and reckless kicks to the balls. बादल जितना काला होता है बारिश भी उतनी भारी होती है। बादल जितना काला होता है बारिश भी उतनी भारी होती है। दे डार्कर दे क्लाउड, दे डार्कर दे क्लाउड, दे हेवियर दे रेन। बादल जितना काला होता है बारिश भी उतनी ही भारी होती है। दे डार्कर दे क्लाउड, the heavier the rain। तो इस तरह से आपने देखा कि यह विशिष्ट संरचना वाले जो वाक्य हैं, इनकी बनावट किस प्रकार की हो रही है और इनका प्रयोग हम अपने लेखन शैली के अंतर्गत या बोलचाल की भाषा को आकर्षक बनाने के लिए दैनिक जीवन में हम इसे प्रयोग करके अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक।